वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों। स्टूडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वेफ्रॉ। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और 1.5 मीटर नेट फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे टॉप के लिए हमें मार्किंग करनी है। तो फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5.5 इंचेस और हमें लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 8 इंचेस। हल्का सा राउंड शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 13 इंचेस। अब यहाँ पे नेक की ब्रॉडनेस हम लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2 इंचेस। राउंड शेप देते हुए नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे दोनों पार्ट्स के लिए, फ्रंट और बैक के लिए। अब हमें इसे कट कर लेना है 1 बाय 1। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं फ्रंट और बैक के लिए। टॉप पार्ट की इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से दोनों को साथ में हमें अरेंज करना है और दोनों को इस तरीके से फिर से 2 फोल्ड करेंगे हम। अच्छे से 2 फोल्ड कर लेना है हमें आर्म होल और नेक पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए। और यहाँ पे शोल्डर पे हमें मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की साइड से 1 इंच पे हमें मार्क करना है राइट साइड में और अपर बॉर्डर से 4 इंचेस डाउन पे एक मार्क करेंगे हम और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें इस तरीके से। और यहाँ से पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरीके से स्ट्रिप्स हमने कट कर ली है और इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रिप्स के शेप में हमें नेट फैब्रिक से स्ट्रिप्स कट कर लेनी है और यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से नेट फैब्रिक को हमें 2 फोल्ड करना है और हमने जो स्ट्रिप्स कट की है इसे इसके ऊपर हम सीधा रखेंगे एज इट इज़ हमें कट करना है। अच्छे से 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पार्ट को सीधा रखना है हमें स्ट्रिप्स को और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमें लेंथ और ब्रॉडनेस हम इंक्रीज करते हुए कट कर लेना है। तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमने कट किया है और यहाँ पे हमें इसे अटैच करना है। तो इस तरीके से ऊपर से फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे हम। इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है और यहाँ तक सिलाई करते हुए इसे अटैच करेंगे। देखिए हमने इस तरीके से दोनों स्ट्रिप्स अटैच कर ली है। अब एक को राइट रखते हुए दूसरा इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे। दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद शोल्डर हमें अटैच करने हैं। तो देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब यह हमारा बैक का पार्ट है जिससे अच्छे से हमें 2 फोल्ड करना है। सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें कट लगाना है 4 इंचेस डाउन तक कट लगाएंगे बैक साइड के लिए। और हमने जो स्ट्रिप्स कट की है इसे आर्म होल पे उल्टा रखना है, नेक पार्ट पे भी उल्टा रखेंगे और सिलाई करेंगे। तो देखिए हमने स्ट्रिप्स अटैच कर ली है और यहाँ पे स्ट्रिप्स को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करना है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ेंगे और ऊपर से स्ट्रिप्स को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है हमें। तो देखिए हमने इस तरीके से आर्म होल और नेक पार्ट को हमने रेडी कर लिया है।
और यहाँ पे नेट फैब्रिक से हमने स्ट्रिप्स कट किए हैं, जिससे यहाँ पे बैक साइड को भी रेडी कर लेना है हमें इस तरीके से। अब यहाँ पे रफल बना के हमें अटैच करनी है, तो नेट फैब्रिक से हमने स्ट्रिप्स कट की है जिससे यहाँ पे पूरे रेक्टेंगल शेप में हमें इसे अटैच करना है जो हमने पैटर्न की है। एक बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए सिलाई करना है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से हमने एक बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है स्ट्रिप्स की, और यहाँ पे सेकंड बॉर्डर को इस तरीके से हमें यहाँ पे प्लेस लेते जाना है और यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। तो देखिए हमने इस तरीके से रफल अटैच कर ली है और टॉप पार्ट को हमने डेकोरेट कर लिया है, फ्रंट और बैक को इस तरीके से पूरे रेक्टेंगल शेप में हमने इसे अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे बॉटम के पार्ट्स के लिए हमने दो रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं। इसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 36 इंचेस और लेंथ हमने ली है 23 इंचेस। अपर बॉर्डर पे बड़े नंबरों की सिलाई करेंगे और यहाँ पे हमें गैदरिंग कर लेना है। तो एक धागे को अलग करके हल्के हाथ से खींचेंगे, पूरी ब्रॉडनेस में हमें गैदरिंग करना है। बॉटम के दोनों पार्ट्स यहाँ पे रेडी करेंगे हम। तो देखिए हमने बॉटम के दोनों पार्ट्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई करनी है। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब यहाँ पे दोनों फ्रंट और बैक को रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। 1 इंच की डिफरेंस सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉक को फिटिंग करेंगे और बॉर्डर को भी फोल्ड कर लेना है रॉन्ग साइड पे। तो देखिए हमने इस तरीके से फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है, बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही डिज़ाइनर भी फ्रॉक हमारा रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये हमारे डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।